हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहला हमने लिया है क्या, होलो स्फीयर। तो कैपिटल आर हो गई इस स्फीयर की रेडियस, और स्फीयर कैसा है, होलो स्फीयर है। इस पे चार्ज तारों पर प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको इनसाइड निकालना है, सरफेस पे निकालना है और आउटसाइड निकालना है। तो सबसे पहले ये वाला जो डिस्टेंस है फिलहाल क्या मानते हैं, आर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आउट में वो क्या होगा, वो हो गया के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ई जो ऑन है सतह पे वो हो जाएगा क्या, के क्यू डिवाइडेड बटे कैपिटल आर स्क्वायर। चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ई ऑन इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बटे स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन इस आर में और ये वाली आर है इसमें अंतर है। ये वाली जो आर है यहां से लेकर इसके सेंटर से लेकर और यहां तक की दूरी है, इसके सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। ये वाली जो आर है ऑन पे वो यहां से लेकर यहां तक है, यानी आप ऐसे ले सकते हैं ये आर बाहर है इस आर से, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो ये वाली आर जो है क्या है, बाहर है, और ये वाली जो आर है वो अंदर में है, ये वाली आर अंदर में है। समझ में आ रही है। एक बनाएंगे क्या, ई इन तो ये क्या होगी, जीरो। ई सेंटर भी क्या होगी, जीरो। अंदर में कहीं भी फील्ड क्या होगा, जीरो। यहां लीजिए फील्ड, चाहे यहां लीजिए, चाहे यहां लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी होल स्फीयर में कहीं भी क्या होगी, जीरो होगी। अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होल स्फीयर। तो इसका हम ड्रॉ करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे जरा समझिएगा। तो ये हो गया आपको, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, और ये हो गई क्या, आर मीटर। अब क्या है कि सेंटर, ये सेंटर हो गया, सेंटर से लेकर कहां तक, आर तक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और एक बाय एक यहां पर क्या होगी, सतह पर सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या होगी, फिर घटने लगेगी। तो ये हो गई क्या, आर आउटसाइड का है, ठीक है, और ये जो है इनसाइड का है, ये कहां का है, अंदर का है। ये है आर लेस देन आर का है। तो ये हो गया ई इन जो जीरो है, ये क्या है, ई ऑन, ये क्या है, ई आउट। इसको लिख सकते हैं वन बटे आर स्क्वायर, इसको आप लिख ही रहे हैं सतह पे है, और इसका इन जीरो, ये ग्राफ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर में जो ग्राफ होगी सॉलिड स्फीयर में उसकी क्या होगी, ग्राफ समझिए। दूसरा है सॉलिड स्फीयर, तो ये हो गया सॉलिड स्फीयर जिसके अंदर भी क्या है, अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे सतह पे भी चार्ज है, अंदर में भी चार्ज है, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर, और एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, ठीक है, और आर है। तो ई जो है आउट वो क्या होगी, के क्यू डिवाइडेड बटे क्या होगी, आर स्क्वायर। और ई जो है ऑन वो हो जाएगी क्या, के क्यू आर स्क्वायर, या लिखिएगा के क्यू आर स्क्वायर, आर बराबर आर। यहां पर क्या है, आर ग्रेटर देन आर। और ये हो गया इन, इन में है के क्यू आर, और क्या है, आर का क्यू अंदर में,
और ई जो सेंटर पर है वो क्या है, जीरो है, ई सेंटर पर जीरो। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके हिसाब से अगर ग्राफ को ड्रॉ किया जाए तो कुछ ऐसा होगा, इस तरह से होगा। ये हो गई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई न्यूटन पर कूलम, और ये हो गई आर मीटर। तो अंदर में क्या है, अंदर में देखो सेंटर पर क्या है, सेंटर पर जीरो है, और अंदर में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है कहां तक, आर इक्वल टू आर तक। ये क्या है, आर लेस देन यहां तक, ये क्या है, आर ग्रेटर देन आर, यहां से आर ग्रेटर देन आर का है। तो ये जो है इन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, ये सतह का हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन है, और उसके बाद क्या हो गई तारी से घटने लगी, यानी ई आउट है, और ये क्या है, वन बटे आर स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम फील्ड है सतह पर, मैक्सिमम फील्ड एट कहाँ पे, सरफेस, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, और उसके बाद लगातार क्या हो रही है, घट रही है, फिर इन्फिनिटी पर जाके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस लेक्चर में मैंने होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का क्या ड्रॉ किया है, ग्राफ ड्रॉ किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।